अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। वेलकम टू क्लास वन। आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिटरेचर। आई एम योर टीचर सिद्रा सिद्दीक एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 6। आवर चैप्टर इज टॉम स्पैरेट और हम टॉम स्पैरेट इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है टॉम एक बच्चा है और उसका एक पेट है जो कि पैरेट है, और इस स्टोरी में टॉम जो है वो अपने पेट को ढूंढ रहा है। ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 18। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 18 की स्टार्टिंग लाइंस हमने उनको रीड किया था। अब जो बाकी पेज रह गया है हम उसकी रीडिंग करेंगे। So we will start reading. The parrot sees the mango. The parrot comes to Tom. The parrot pecks the mango. Tom is happy. Polly, the parrot is happy too. We will read again. The parrot sees the mango. The parrot comes to Tom. Parrot जो है वो आम को देखता है और टॉम की तरफ आता है। The parrot pecks the mango. वो आम की एक बाइट लेता है। Tom is happy. टॉम खुश है। Polly the parrot is happy too. और जो पोली जो एक पैरेट है वो भी हैप्पी है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हमने पूरे चैप्टर की रीडिंग की है और इसके बारे में डिस्कस भी किया है। अब आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता चल गया होगा। टॉम का जो पैरेट था जिसको टॉम ढूंढ रहा था, उसने उसे कैसे ढूंढा, क्योंकि वो अपनी मम्मी मदर से एक मैंगो लेके गया था और जब पैरेट ने मैंगो को देखा तो वो खुद ही टॉम के पास चलकर वापस आ गया, और इस तरीके से टॉम भी खुश हो गया और पैरेट भी खुश हो गया। अब इस तरीके से आपको अपनी कॉपी पे काम करना है। सबसे पहले आप चैप्टर का नेम लिखेंगे टॉम्स पैरेट, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे राइट ट्रू और फॉल्स। अब ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1 इज टॉम हैज़ अ कैट। क्या टॉम के पास कैट थी? टॉम किसको ढूंढ रहा था? टॉम के पास तो एक पैरट था ना, उसके पास तो कैट नहीं थी, तो इसलिए ये ट्रू होगा या फॉल्स? ये तो फॉल्स है, क्योंकि टॉम के पास तो पैरेट था, उसके पास तो कैट नहीं थी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नंबर 2, द पैरेट इज़ ब्लू। जो पैरेट था वो ब्लू कलर का था। आपने अपनी बुक में देखा था ना, पैरेट किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो क्या ये लाइन ट्रू है या फॉल्स है? द पैरेट इज़ ब्लू, तो ये फॉल्स है। हम यहाँ फॉल्स लिखेंगे क्योंकि ये गलत है। टॉम का पैरेट ग्रीन कलर का था, ब्लू नहीं था वो। नंबर 3, द नेम ऑफ द पैरेट इज पोली। पैरेट का नेम पोली था। टॉम के पैरेट का नेम पोली ही था ना, इसलिए ये ट्रू है। नंबर 4, टॉम टेक्स एन ऑरेंज। टॉम एक ऑरेंज लेता है। आपको याद होगा जब टॉम अपनी मदर के पास गया था तो टॉम ने अपनी मदर से एक लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टॉम जो है वो एक ऑरेंज लेता है, तो ये लाइन भी फॉल्स है। हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ऐसे शीट पेस्ट की गई है, तो आप ऐसे शीट पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे अपनी कॉपी में आप इसे पूरा लिखेंगे। और लास्ट पे हम लोग होमवर्क के बारे में बात करेंगे। आपका होमवर्क है, सबसे पहले आपने ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, और उसके बाद आपने पेज नंबर 18 की बहुत अच्छे तरीके से
रीडिंग करनी है और आपको उसमें से मैं क्विज बना कर दूंगी जिसे आप सॉल्व करेंगे. सो दिस इज़ फॉर टुडे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.